Hi everyone, welcome to the sociology class. So today under the series of sociology CUET UG, we are going to solve 2022 paper. This series में हम पहले papers को solve करेंगे, उसके बाद एक-एक करके सारे topics जो हैं आपके syllabus के उनको cover करेंगे. If you are preparing for CUET UG तो जो प्लेलिस्ट है यू जी की उसे जरूर ज्वाइन कर लेना आई एम योर एजुकेटर है भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशोलॉजी आपको मिलती रहेगी सो so, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं फिफ्टी क्वेश्चन हैं इसमें सो फिफ्टी क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे कॉमेंट मुझे बताना कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी यू ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और नॉट या ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कौन सा अटेम्प्ट आप देने वाले हो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर वन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू वॉट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज टेकन फ्रॉम योर एन सी आर टी बुक सो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एन सी आर टी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो एन सी आर टी में ये टर्म गिवन है डायरेक्टली उसका मीनिंग पूछा है ऑप्शन देखो द Estimated number of years that an average person is expected to survive. Total number of live births that a hypothetical woman would have if she lived through the reproductive age. Difference between birth rate and death rate. The number of live births per thousand women in childbearing age group. What would be the correct answer? The correct answer is A, that is. The estimated number of years that an average person is expected to survive life expectancy का मतलब क्या होता है कि एक इंसान एवरेजली कितने सालों तक सरवाइव कर सकता है ओके okay? and as you can see ये जो D option है the number of live births per thousand women in child bearing age group ये क्या है ये है हमारा fertility rate ये सारा ही आपका चैप्टर वन में है ट्वेल्थ की एनसीआरटी में

क्या है दिस इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज नेचुरल इंक्रीज समथिंग इज रॉन्ग विथ द पेन ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन द ग्रोथ सो so, ये सारी चीजें जब मैं एन कवर करूंगी तब मैं पढ़ाऊंगी बट एज यू कैन सी एन बहुत इंपॉर्टेंट है सी यू टी यू वालों के लिए पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो एन से सॉल्व हो गया और ऑप्शन जो हैं वो भी आपको पता होने चाहिए ओके सो जितना भी मैंने बताया है प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो ये जो बी ऑप्शन है कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स दैट अ हाइपोथेटिकल वुमेन वुड हैव इफ शी लिव्ड थ्रू द रिप्रोडक्टिव एज दिस इज नथिंग बट टोटल फर्टिलिटी रेट किसकी बात कर रहा है ये टोटल फर्टिलिटी रेट की ओके सो दिस व्हाट टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है आप इसे पूरा लिख लेना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिचुएशन वेयर अ लार्ज कोहर्ट ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज विल फाइंड population growth over the next generation even if each woman has fewer children than previous generation did is called what कह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन jahan पर लार्ज quart ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज यानी बहुत सारे लार्ज अमाउंट में ऐसी वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं देखेंगे कि ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा है even इफ ईच वुमेन हैज fewer चिल्ड्रेन जबकि सारे वुमेन्स जो भी हैं उनके कम बच्चे हैं ठीक है पुरानी जनरेशन से प्रीवियस जनरेशन से सो so इसे हम क्या कहेंगे फर्टिलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन मोमेंटम या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ द करेक्ट आंसर इज दैट इज पॉपुलेशन मोमेंटम क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज द टाइप ऑफ डेमोग्राफी दैट इंक्वायर्स इन टू वाइडर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस ऑन पॉपुलेशन इज कॉल्ड वॉट सो कौन सा टाइप है डेमोग्राफी का जो कि हमें बताता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है प्रोसेस हैं, पॉपुलेशन के उनके क्या क्या कॉज हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वेरी इजी डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीआरटी द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज सोशल डेमोग्राफी ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन स्टडीज ओके

ये भी आपका डायरेक्टली एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स में बता रही हूँ एनसीआरटी में ये लाइन गिवन है द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पॉजिटिव चेक ठीक है पॉजिटिव चेक चेक होगा प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है जो हम खुद लेते हैं ठीक है पर्सनल चीजें जो हम करते हैं टू ऐसी चीजें जो ह्यूमन मैन मेड होती हैं तो याद रखना प्रिवेंटिव चेक्स कौन से होते हैं मैन मेड चीजें जो भी मैन करेगा या कर सकता है फॉर एग्जाम्पल पोस्टपोनिंग मैरिज अगर शादी लेट करेंगे तो फिर पॉपुलेशन भी लेट से इंक्रीज होगी राइट सो so ये एक तरीका हो गया बाकी पॉजिटिव चेक्स में क्या होता है नेचुरल चीज़ें पॉपुलेशन को कम करने के नेचुरल तरीके जो होते हैं वो हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव चेक्स में तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है नेगेटिव चेक्स और प्रमोटिव चेक्स की तो ये बात ही नहीं करते हैं ठीक है इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं तो वो आप देख सकते हो एनसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है अब तक तो चार क्वेश्चन ही करे हैं और एनसीआर से ही आया है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर नंबर सेक्स रेशियो रिफर्स टू द ऑफ फीमेल्स पर हंड्रेड मेल्स इन अ गिवन एरिया एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड नंबर ऑफ मेल्स पर थाउजेंड फीमेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स एट नॉन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड सी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम

So, confuse करने के के लिए यहाँ पे देखो अलग अलग तरह डाल दिए हैं बट यू हैव आई थिंक इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है यू जस्ट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स लिस्ट वन लिस्ट टू एक लिस्ट में आपको कुछ uh, कम्युनिटीज कास्ट दी हुई हैं और दूसरे में आपको बताना है कि वो कहाँ की है ठीक है तो जातवास जो है वो यूपी के हैं सो दे मुल्तानी लोहार्स मुल्तानी लोहार्स इज अ मुस्लिम कम्युनिटी खासीस जो है वो मेघालय में एथनिक uh, ग्रुप है वो का जो है वो कर्नाटका में कास्ट है साउथ की कास्ट है तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है सो मैच कर लेते हैं ए का फोर्थ सभी में ए का फोर्थ है बी का फर्स्ट बी का फर्स्ट इन दोनों में है सो दीज टू ऑप्शन सेकेंड ओके सो बी इज योर करेक्ट आंसर ये भी एन सी आर टी में गिवन है सो so एनसीआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है अभी तक हमें यही समझ में आया है क्वेश्चन नंबर सेवन इज फ्रॉम सोशल मूवमेंट वाला चैप्टर ब्रह्मो समाज विटोरी मैरिज कंट्रीज़ फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एंटी कास्ट मूवमेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ दी हैं मैच करना है सो so, ब्रह्मो समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय का है विडो री मैरिज की बात बहुत ज़्यादा की थी एम जे सॉरी एम जी रानाडे ने एंड कंट्रीज़ फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स जो था वो सावित्री बाई फूले एंड ज्योतिबा फूले ने मिलकर किया था एंटी कास्ट आ, मूवमेंट में जो है वो ज्योतिबा फूले बहुत इंपॉर्टेंट रहे एंड इसके अलावा और भी दो नाम हैं जो कि एंटी कास्ट मूवमेंट में आएंगे कौन है वो ई वी रामस्वामी नायकर एंड श्री नारायण गुरु ठीक है ये दो इंपॉर्टेंट नाम हैं जो इनके साथ आएंगे तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ईवी राम स्वामी नायकर एंड श्री नारायण गुरु ठीक है ये भी एनसीईआरटी में गिवन है सो दिस वाज इजी अभी तक सेवन क्वेश्चंस में कोई भी मुझे ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं लगा तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट द लीगल प्रोविजन अगेंस्ट वायलेंस एंड ह्यूमिलिएशन टू दलित आदिवासी इज स्ट्रेंथन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब एक्ट नाइनटीन एटी नाइन नाइन्टी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स या फिर आर्टिकल सेवेंटीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाइनटीन फिफ्टी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट नाइनटीन एटी नाइन इसको एक और चीज़ बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ओके okay? तो ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट इसमें से कौन सा कास्ट का फीचर नहीं है या कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोशल एंड रिलीजियस हैरार सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स दी करेक्ट आंसर इज सी दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ये बिल्कुल भी गलत है इसमें अन नहीं होगा होगा रिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्युपेशन ठीक है अगर रिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्युपेशन होता तो ये ऑप्शन हो जाता हमारा सही क्वेश्चन नंबर टेन द टर्म्स मेट्रीलिनियल एंड पेट्रीलिनियर आर एसोसिएटेड विद वॉट मेट्रीलिनियर एसोसिएटेड है रेजिडेंस से line of descent से लाइन ऑफ 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 डिसेंट नेचर मैरिज रूल्स या फिर स्ट्रक्चर फैमिली द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज लाइन ऑफ डिसेंट रेजिडेंस अगर होगा तो क्या हो जाएगा वर्ड के आगे लग जाएगा लोकल मेट्री लोकल एंड लोकल ओके एंड नेचर ऑफ मैरिज होगा अगर तो क्या हो जाएगा मैट्री सॉरी सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली अगर होगा तो हो जाएगा मेट्री मेट्री आर की एंड पेट्री आर की जहां पर मदर्स uh, का रूल होता है वो मेट्री आर की हो जाता है तिथियों में यहां पर मेट्रीआर की पेट्रीआर की ठीक है

जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देती हैं और uh, काफी कह सकते हो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कम हो जाता है लिबरलाइजेशन में सो द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज प्राइवेटाइजेशन एंड मार्केटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का बढ़ना यानी लिबरलाइजेशन का बढ़ना ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन पूछ रहा है कि अदर बैकवर्ड क्लास रिफर्स टू वॉट ओ जो हमारा होता है वो क्या होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पार्ट ऑफ एस सी एस टी डोमिनट कास्ट या फिर इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली पावरफुल क्लासेज द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो होती है उसे हम कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास दैट इज ओ बी सी ओके एंड डोमिनट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट uh, है वो हमें दिया है एम एन श्रीनिवास ने यह भी याद रखना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं हमें इन्हें मैच करना है सो थर्ड जेंडर क्या होता है थर्ड जेंडर सोशल कैटेगरी ऑफ पर्सन मेल नॉर फीमेल थर्ड जेंडर मतलब वो सोशल कैटेगरी जो ना मेल में आती है ना फीमेल में आती है उसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं ओके अपर थाइड मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रेसेस यानी एक रेस को कंप्लीटली सेपरेट कर देना दैट इज कॉल्ड अपर था ठीक है आदिवासी सी यहाँ पर क्लियरली uh, दिख नहीं रहा है इसीलिए मैं पढ़ रही हूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो ये आदिवासी लिखा है आदिवासी क्या होता है आदिवासी इज इंडिजिनियस पॉपुलेशन आइडेंटिटी स्ट्रगल होता है जिसमें ट्रांसजेंडर कन्वर्जन ऑफ जेंडर स्टेटस ऑफ बॉडी अपोजिट जेंडर बाई चॉइस जब हम अपनी चॉइस से अपना जेंडर चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं अपोजिट में उसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ये वाला ए दैट इज ए का सेकेंड देन बी फर्स्ट सी फोर सही है ओके okay? ईजी क्वेश्चन था एनसीआरटी में ये सारे टर्म्स मैंशन हैं सो इन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है आई थिंक एन सी आर टी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो भी सी यू टी यूजी काफी ईजी हो जाएगा बट ये है कि लाइन टू लाइन एनसीआर टी यू हैव टू स्टडी ऐसा नहीं कि अगर अपर थाइड शब्द आ जाता है किसी सेंटेंस में तो आप उसे छोड़ दो नो यू हैव टू सर्च द मीनिंग एंड स्टडी इन डेप्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द टर्म दैट लिटरली मीनस प्री जजमेंट दैट इज एन ओपिनियन फॉर्म इन एडवांस ऑफ एनी फेमिलैरिटी विद द सब्जेक्ट बिफोर कंसिडरिंग एनी अवेलेबल एविडेंस यानी किसी भी चीज के बारे में पहले से आप थोड़ा सा फेमुलियर हो और आप पहले से ही एक प्री जजमेंट बना लेते हो इसे हम क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन प्रिजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज प्रिजुडाइज यानी कि पहले से एक फॉर्मेशन बना लेना पहले से ही सोच लेना कि ये चीज ऐसी होगी बाकी के जो टर्म्स हैं उनके जो डेफिनेशन है उनके जो मीनिंग है, है उसे मुझे कॉमेंट में सर्च करके आपको बताना है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बुक्स दिए हैं और ऑथर्स दिए हैं इनमें से एक बुक बहुत ही ज्यादा फेमस है दैट इज सुल्तानाज ड्रीम सुल्तानाज ड्रीम इज रिटन बाय बेगम रुकैया हुसैन तो देखो अगर सी आपको पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते थे बाकी की चीजें भी हम लोग मैच कर लेते हैं ये क्या है स्त्री पुरुष तुलाना आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द करेक्ट आंसर इज ताराबाई शिंदे देन थ्री सरमन ऑन ह्यूमन नेचर आई थिंक एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्योंकि इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है इसका था, था थर्ड वाला ठीक है जोज़प बटलर एंड द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ इज रिटन बाय एमजी रानाडे तो ये भी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन जरूर होगी ठीक है तो बुक्स एंड ऑथर्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इंडियन नेशनलिज्म इज इंक्लूसिव बिकॉज़ इट रिकॉग्नाइजिस व्हाट इंडियन नेशनलिज्म जो है वो इंक्लूसिव है क्यों

बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट इज इन इंडियन कॉन्टेक्ट सेक्युलरिज्म गोज हैंड इन हैंड विद कम्युनलिज्म इंडियन स्टेट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एकदम सही है एंड अ सेक्युलर स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन ये भी बिल्कुल सही है सो so, इसमें जो इनकरेक्ट है वो है बी क्योंकि सेक्युलरिज्म कम्युनिज्म के साथ साथ नहीं चलता है इंडियन कॉन्टेक्ट में सो so ये स्टेटमेंट तो हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा बाकी तो बिल्कुल ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ट कम्युनिटी आइडेंटिटी किस पे बेस्ड है बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स चॉइस एंड कम्पिटेंसी या फिर एंड नगोशिएशन द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज बर्थ एंड बिलोंगिंगनेस डायरेक्टली मैं योर एनसीआर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ड्यूरिंग एमरजेंसी पीपल एक्सपीरियंस अथॉरिटेरियन रूल during elections immediately after the emergency people voted overwhelmingly for congress party the civil liberties of people uh, remain unaffected during the emergency press was given freedom of speech during emergency फॉर दिस द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ ए दैट इज़ इमरजेंसी के टाइम पे अथॉरिटेरियन रूल आ जाता है ठीक है बाकी की जो भी बातें हैं इमरजेंसी से रिलेटेड वो मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तब हम इसे समझेंगे अभी के लिए इतना समझू कि सबसे सही स्टेटमेंट इसमें जो है वो यही है कि इमरजेंसी के टाइम पर अथॉरिटेरियन रूल एक्सपीरियंस किया जाता है ओके इमरजेंसी के टाइम पे मीडिया को या प्रेस को फ्रीडम नहीं होती है इतनी क्योंकि सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ले लिए जाते हैं हमारे तो सिविल लिबर्टीज हमारे पास नहीं होती हैं और ये जो बी ऑप्शन है इसको जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ओके क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट संस्कृताइजेशन इसमें से बताना है कि कौन सा संस्कृताइजेशन नहीं है एग्जैजरेट सोशल मोबिलिटी इम्प्रूव पोजिशनल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल्स रेस्ट ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन दलित कल्चर इरोडेड

कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रखी हैं तो आप वहां पे भी उसे जाकर देख सकते हो संस्कृताइजेशन पे वीडियो ऑलरेडी है उसे देख लेना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डीप इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी कोलोनलिज्म का इंडियन सोसाइटी पे बहुत डीप इम्पैक्ट रहा है वी ऑल नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कोलोनलिज्म इन इंडिया कोलोनिज्म पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन सी आर टी में आपकी ये सब है सो so, कोलोनलिज्म के बारे में इसमें क्या है जो सही नहीं है नॉट ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रिटिशर्स इंटरफेयर विद इंडियन मार्केट्स टू इंश्योर ग्रेटर प्रॉफिट बिल्कुल सही है ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियन मार्केट के साथ छेड़छाड़ की थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो लिया ही था एवरीबडी नोज दे अल्टर द वे ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने प्रोडक्शन के वे को चेंज किया बिल्कुल सही है सी है दे इम्प्लीमेंटेड फॉरेस्ट एक्ट विच चेंज द लाइफ ऑफ पेस्ट्रोलिस्ट यानी कि फॉरेस्ट एक्ट वो लेके आए जिससे कि पेस्ट्रोलिस्ट जो थे उनकी लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल सही है द करेक्ट आंसर वुड बी डी बिकॉज देखो क्या लिखा है दे बेनिफिटेड फ्रॉम कॉन्टीन्यूअस ट्राइब विदाउट

question number 24 the first society to undergo industrialization was germany america britain or india the correct answer is britain so is it easy question question number 25 a process of decline in the influence of religion is called what Agar रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कम्युनलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन रीजनलिज्म या फिर सेक्युलराइजेशन दी करेक्ट आंसर इज डी दैट इज सेक्युलराइजेशन कम्युनलिज्म मॉडर्नाइजेशन रीजनलिज्म इन सब पे मैं एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी डेलीगेटेड टू द पंचायत इसमें से कौन सा है ऑप्शन जो कि पंचायत के पावर और रिस्पांसिबिलिटी के अंडर नहीं आता है टू प्रिपेयर प्लान एंड स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्रमोट स्किल्स दैट विल इन्हेंस सोशल जस्टिस टू लेवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस टू मेक श्योर दैट एंडी इज प्रैक्टिस्ड एमंग रूरल यूथ

सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इज वॉट जिला पंचायत ग्राम पंचायत न्याय पंचायत एंड ग्राम सभा तो पंचायत कौन सी होती है जिसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सिविल क्रिमिनल इन तरह के केसेस को सुन सके करेक्ट आंसर इज सी दैट इज न्याय पंचायत क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इनमें से कौन सा है जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से चेंज नहीं हुआ है ठीक है शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन काइंड टू पेमेंट इन कैश इंक्रीजिंग बॉन्डेड लेबर राइज ऑफ रूरल एलिट या फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज इंक्रीजिंग बॉन्डेड लेबर बॉन्डेड लेबर जो ग्रीन uh, रेवल्यूशन जो आया था उसकी वजह से बॉन्डेड लेबर डिक्रीज हुआ है ना कि इंक्रीज हुआ है ओके Question number twenty-nine: Commercialization of agriculture does not lead to what? Regional inequality, integration of rural to wider economy, development of rural infrastructure, or increase in organic farming. अग्रीकल्चर को अगर कमर्शलाइज़ कर दिया जाए अग्रीकल्चर से अगर बिजनेस करा जाए तो इनमें से क्या है जो नहीं होगा द करेक्ट आंसर इज़ डी दैट इज़ इंक्रीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग सी यहाँ पर अगर आप अपना लॉजिक ये लगाओ कि अगर हमें किसी चीज़ को कमर्शलाइज करना है तो कमर्शलाइज़ का मतलब क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हो पाएगी राइट सो द करेक्ट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर थर्टी वॉशरमैन पॉटर गोल्ड स्मिथ ऑयल प्रेशर्स आर नोन एज वॉट ये जितनी भी चीजें दी हैं ऑक्यूपेशन हैं ये किस में आते हैं दलित सर्विस कास्ट लेबर्स या फिर करेक्ट आंसर इज बी दैट इज सर्विस कास्ट अभी तक थर्टी क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द द्वेश्चन फॉर डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीआर बुक सो ट्वेल्थ क्लास की जो दो एनसीआरटी बुक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक हमें ये समझ में आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ये क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम में आया है आई डोंट रिमेंबर बट आई हैव सॉल्व इट आई थिंक जे में या फिर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है सी फार्मर सुसाइड कैन बी लिंक्ड टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर दीज इंक्लूड वॉट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज डिक्लाइनिंग स्टेट सपोर्ट हाई कॉस्ट इनपुट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन चेंजिंग क्रॉप पैटर्न यानी जो फार्मर सुसाइड होती है स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से तो वो चेंजेस कौन से हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है ऑप्शन हैं ए सी डी ई ए बी ई तो एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है कौन सा है वो ऑप्शन द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी डी ऑप्शन जो है दैट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज एग्रीकल्चर ये कोई रीज़न uh, नहीं होगा फार्मर सुसाइड का अगर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है तो फिर फार्मर सुसाइड नहीं करेगा ओके सो डी हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर ये वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनमें से कौन सा है जो सेकेंड फेज में नहीं आएगा या नहीं बताता है हमें सेकेंड फेज के बारे में इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन ऑन मार्केट फार्मर्स स्विच टू मल्टी क्रॉप सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन इंक्रीज रीजनल इनक्वालिटीज एंड इंक्रीज रिस्क फॉर फार्मर्स सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी दैट इज फार्मर्स स्विच्ड टू मल्टी क्रॉप सिस्टम सी अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है एक बात तो क्लियर है दैट यूर एनसीआरटी लाइन टू लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वॉट आई विल डू इज जब मैं एनसीआरटी ट्वेल्थ कवर करूंगी तो मैं उसे एकदम लाइन टू लाइन चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी सो दैट कुछ भी मिस आउट ना हो ओके बिकॉज एन से ही सी यू टी यू जी के ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ना दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी कॉन्सेप्ट दिए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं इसमें मैंने काफ़ी बार आ, ये चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ एलियनेशन का मतलब होता है वन वर्कर्स डू नॉट इन्जॉय सॉरी हाँ डू नॉट इन्जॉय वर्क एंड टास्क बिकम्स रेपिटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग इमेज uh, क्लियर नहीं है इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ उसे सो so, देखो ए का हो गया सेकेंड अब ए का सेकेंड एक में ही है सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी देखा कितना ईजी था ये अगर आपको एक या दो ऑप्शन भी पक्का पक्का मालूम है आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो जैसे कि देखो कन्वर्जेंस थ्योरी बी का थर्ड एक में ही है बी का थर्ड यानी कि ये कन्वर्जेंस थीसिस कन्वर्जेंस थीसिस मींस ऑल कंट्रीज़ फॉलो सेम पाथ टू मॉडर्नाइजेशन ओके साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है वर्क ब्रोकन इंटू स्मॉल रिपीटेटिव एलिमेंट्स टू इंक्रीज एफिशियंटी बढ़ाने के लिए हमें बताया था कि मशीनरी एक्चुअली डी स्किल्स वर्कर जब मशीन आ जाती है तो वर्कर का जो स्किल है वो खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अरेन्ज इन सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ बीड़ी मेकिंग

गवर्नमेंट अपने uh, shares को sell कर दे, अलग अलग पब्लिक सेक्टर कंपनीज में तो ये क्या होगा डी इन्वेस्टमेंट अन इन्वेस्टमेंट या फिर डिस इन्वेस्टमेंट दी करेक्ट आंसर इज डी दैट इज डिसमेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स रिटेल अ थ्रेड टू इंडियन मार्केट बिकॉज

Uh, गलत ऑप्शन मार्क्ड है ए का भी थ्री बता रखा है और डी का भी थ्री बता रखा है ठीक है so, सो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे बाद में जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी वहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट नेम द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी दैट सीक्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटेटिवनेस थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन्वॉल्विंग फर्म कल्चर ऑफ कंजन कॉर्पोरेट कल्चर नॉलेज इकॉनमी या फिर दी करेक्ट आंसर इज बी दट इज कॉरपोरेट कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर की डायरेक्ट डेफिनेशन है ये क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन देर आर सम इंडस्ट्रियल आउटकम एंड देर कैरेक्टरिस्टिक्स लेट्स मैच इट सो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन पीपल रीजन एंड कंट्रीज ओके सो जब कंट्री रीजन एक दूसरे पे जब ज़्यादा डिपेंड होने लगता है इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है दैट इज कॉल्ड योर ग्लोबलाइजेशन देन इलेक्ट्रिक इकॉनमी को हम रखेंगे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में और लिबरलाइजेशन uh, का मतलब होता है स्टडी रिमूवल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अभी हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था सेलुलर टेलीफोन हो जाएगा हमारा ग्रोथ इन द यूसेज ऑफ Uh, cell phones. So, the correct answer for this will be D. Question number 40. In 1957, All India Radio acquired hugely popular channel which grew to become a money spinning channel for AIR. The name of the channel was what? Hamluk, Vivid Bharti, Doordarshan and Buniyat. The correct answer is B. That is Vivid Bharti. Question number 41. Now, these questions are uh, वैसे क्वेश्चन है ये पैसेज वाले क्वेश्चन है बट इन्हें हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे नेम द लीडर हु हेडेड दी सोशल मूवमेंट फॉर झारखंड स्टेट झारखंड स्टेट के लिए किसने सोशल मूवमेंट को हेड किया था द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी दैट इज बिरसा मुंडा चूज द करेक्ट सॉरी चूज द इनकरेक्ट फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट इसमें से इनकरेक्ट फीचर बताना है हमें सोशल मूवमेंट का

ओल्ड ऑफ इकोनॉमिक इन इक्वालिटी रीऑर्गनाइजेशन ऑफ पावर रिलेटिव सेंट्रल रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या फिर क्वालिटी लाइफ इशूज आइडेंटिटी इनवायरमेंट बताने की न्यू सोशल मूवमेंट जो है वो किस बारे में होते हैं दी करेक्ट आंसर इज डी दैट इज क्वालिटी लाइफ इशूज आइडेंटिटी एंड इनवायरमेंट ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आदिवासी शेयर कॉमन हेट्रेड टूवर्ड आदिवासी जो है वो कॉमन हेट्रेड जो दिखाते हैं वो किसके लिए होती है डीकूज माइग्रेंट ट्रेडर्स मनी लेंडर्स क्रिश्चियन मिशनरीज ये सब इन्फॉर्मेशन आपके एनसीआर टी में दी है तो एनसीआर टी को मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगी आपको इस प्लेटफॉर्म पे दी करेक्ट आंसर इज सी दैट इज ये नहीं होगा बाकी सारे सही हैं ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ट्राइबल मूवमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग अमंग झारखंड इज अंस ऑफ वॉट एथेनिक कॉन्शियसनेस शेयर्ड आइडेंटिटी मार्जिनलाइजेशन इनजस्टिस Tribal costume and cultural practices, poverty and in insecurity. The correct answer is A, that is ethnic consciousness and shared identity. Question number 46 The industry developed during the pre colonial period, colonial period, post independence period, or Vedic period. The correct answer is B, that is colonial period. क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन द इंडस्ट्री ड्यूरिंग कोलोनियल टाइम वॉज वॉट कोलोनियल यानी जब अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे तो इंडस्ट्री कैसी थी लेबर well इंटेंसिव uh, थी मशीनरी इंटेंसिव थी फाइनेंशियली वेल पेड जॉब्स फॉर लेबर्स बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सेटअप आई थिंक मेरे हिसाब से दी करेक्ट आंसर विल बी ए लेबर इंटेंसिव ज्यादा थी इंडस्ट्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट कह रहा है कि इनमें से कौन सा रीजन जो है वो वैलिड नहीं है ठीक है the tea plantation was based on migrant labor because the plantation were basically sparse populated area offered high wages to workers worker was labor intensive in nature plantation was located in uh, inhabited hill station hillsides so i think the correct answer would be b that is offered high wage to workers uh, let me know in the comment section what do you think question number 49 transport of native labor's act

जो आपका 2022 का सी यू ई टी यू जी का पेपर है वो डायरेक्टली आया है एन सी आर टी से यू डोंट नीड टू रिफर एनी थिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम एन सी आर टी एन सी आर टी का जो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की इलेवेंथ की इतनी नहीं बट हाँ ट्वेल्थ की जो बुक है एन सी आर टी ट्वेल्थ दोज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू लाइक लाइन टू लाइन जो इवन एक्स्ट्रा बॉक्सिस होते हैं दो इम्पोर्टेंट कुछ भी आपको एनसीआर टी में नहीं छोड़ना है उसके अलावा जो भी नॉलेज होगी टॉपिक वाइज आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एंड यू कैन प्रिफर इट सी यू ई टी यूजी की प्ले लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है चैनल पे प्लीज जॉइन इट सो दैट्स इट फॉर टू डे गाइज आई होप यू लाइक टू डे इज लेसन डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर प्रपेयरिंग फॉर सी यू ई टी यू जी एग्जाम प्लेलिस्ट में जाके यू कैन चेक आउट अकॉर्डिंग टू यूर एग्जाम जो भी आपके काम आए दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट जॉइन बिकॉज एवरी थिंग रिलेटेड टू सोशलॉजी यू विल फाइंड ऑन दिस टेलीग्राम ओनली दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम कोई डाउट होता है कुछ कोई पेपर शेयर करना है एनी थिंग रिलेटेड टू सोशलॉजी यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर थैंक यू वेरी मच गाइज कीप लर्निंग